कितना उत्साहित है इसको लेकर और काफी मेगा प्रोजेक्ट लग रहा है, वो सबसे बड़ी बात है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हाँ, जेन्युइनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस प्रोजेक्ट को लेकर, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि अभी तक जो भी मैंने फिल्में बनाई हैं दे आर लाइक ह्यूमन ड्रामास, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर था। तो ये एक प्रोजेक्ट था जो काफ़ी टाइम से भैया मैंने बी ए पास टू बनाई है नेटफ्लिक्स पर, रावी और लेवी इंटरनेशनल, वहाँ से शुरू करके कहीं आ जाएंगे तुम लोग बता रहे हो। हाँ जी ठीक है जी सर। सर काफी मेगा प्रोजेक्ट है आपका, एसोसिएशन क्या है और कितने उत्साहित हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर? सर बहुत एक्साइटिंग है मेरा, मतलब बच्चे की तरह है प्रोजेक्ट, मैं काफ़ी साल से इस पर काम कर रहा था। तो अभी तक जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं वो ह्यूमन ड्रामाज हैं, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे। तो ऑफकोर्स उनके बजट्स बहुत ज़्यादा नहीं रहते थे, बट सबका क्रिटिकली और ऑडियंस ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है जो भी चीज़ें थी, क्योंकि ह्यूमन ड्रामा है, मतलब माँ बाप, मतलब माँ बाप का बच्चों के साथ में रिश्ता, मतलब हस्बैंड वाइफ का, इस तरह की चीज़ें मैं बनाना, मतलब उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है। तो ये प्रोजेक्ट को मैं काफ़ी टाइम से मेरे पास में था और मैं ज़्यादा सुनाता नहीं था किसी को ये प्रोजेक्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार ये एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि 10 ईयर के स्पैन की एक स्क्रिप्ट है और बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, लाइक 75 कैरेक्टर्स हैं टोटल उसके अंदर, बहुत लोकेशन है। ये एग्जीक्यूशन पर थोड़ा सा मैं, मतलब प्रोड्यूसर को ऐसी बातों बातों में, अनस इज़ अ फ्रेंड, तो मैंने इसको किसी और सब्जेक्ट को सुनाया था कि इसके एक्ट कर लो इसमें, तो वो वर्कआउट नहीं हुआ। लेकिन उसने बोला तो शादा भाई तुम्हारे पास कोई स्क्रिप्ट है? तो मैंने उसको बताया कि मेरे पास एक चीज़ है, ये आइडिया है। तो ही गॉट सो एक्साइटेड। फिर ये सईद भाई, इन लोगों ने मिलके मुझे बोला कि नहीं, यू डोंट वरी अबाउट द लाइक जो प्रोडक्शन पार्ट है उसको मत बोलो, विल बी एबल टू एग्जीक्यूट दैट। तो वहाँ से ये पूरी चीज़ें चालू हुई। फिर उसके बाद में दूसरी चीज़ थी कि आई वॉन्टेड समवन लाइक यू नो जिसको प्रोडक्शन में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि इसमें 78 लोकेशंस है, डिफरेंट फिर मतलब काफ़ी आर्ट का काम है ये है। तो उसमें जब साकिब भाई ऑन बोर्ड आए, साकिब सैयद इज़ लाइक टीवी का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े बड़े मेगा शोज उन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं, सब कुछ किया है, ये कमर्शियल हेड भी थे हमारे स्टार प्लस के, मेरे भाई हैं। हाँ तो कमर्शियल हेड, व्हेन ही वाज ऑन बोर्ड तो मतलब एकदम रिलैक्स हो गया, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट, मतलब मैंने बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर दिया, बिकॉज आई वेरी श्योर कि नाउ ही विल बी एबल टू पुल इट ऑफ। क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि क्या होता है, ठीक है डायरेक्शन अपनी जगह है, स्क्रिप्ट अपनी जगह है, मोर देन दैट कि कोई एग्जीक्यूशन जो है ना टफेस्ट पार्ट, मेजर मेहनत इनकी है जो एक्चुअल में ये जो हिसाब से कर रहे हैं। बताइए कैसे आप क्या कर रहे हैं? तो बेसिकली यही हुआ था कि जब ये कॉन्सेप्ट सुनाया गया मेरे को, अनस बहुत पहले से बोल रहा है कि भाई कुछ करना है साथ में, कुछ करना है, तो मैं हमेशा मतलब बिजी रहता था इतना। तो इस बार इसने बोला कि एक बार तुम कॉन्सेप्ट सुन लो, तो मैंने कहा ठीक है सुन लेते हैं। तो शादाब भाई ने ऑलमोस्ट 1 घंटा उन्होंने नरेशन रखा था, मैरिट पर बैठे थे हम लोग, तो वो बस मैंने नरेशन सुना। मैंने कहा चलो ठीक है, ये शायद प्रोजेक्ट है जहाँ पे मुझे करना चाहिए और हम लोग साथ में मिलकर ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बहुत टफ चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट, मतलब ऑनेस्टली स्टार कास्ट इन द सेंस नंबर ऑफ कास्ट हमारी ऑलमोस्ट 50-60 लोग हैं इसके अंदर, चाहे वो, और हर कैरेक्टर बखूबी इतना अच्छा से लिखा गया है, चाहे उसकी 2 लाइन हो चाहे उसकी 4 लाइन हो, बट वो कैरेक्टर आपको इसमें नज़र आएगा। और कास्टिंग में भी हम लोगों ने बहुत मतलब सब अपने दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, सब मिल के कर रहे हैं। और एग्जीक्यूशन में लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम लोग इसको पूरा आउटडोर प्लान कर रहे हैं और बेस्ट कैमरा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, और साउथ के हमने बहुत बड़ा, हमारे DOP हैं मनोहर जोशी, उनको हम लेके आए, ऑनबोर्ड लिया है उनको, जिन्होंने ऑलमोस्ट 35 फिल्म्स की हुई हैं, आईफा विनर अवार्ड, काफ़ी सारे एड्स किए हुए हैं। तो जब हमारे पास टेक्निकल टीम अच्छी होगी ना, डायरेक्शन टीम अच्छी होगी और कोर टीम हमारी अच्छी होगी और आर्टिस्ट अच्छे होंगे, आर्ट अच्छा होगा, कॉस्ट्यूम अच्छी होगी, तो तभी प्रोडक्ट बनता है। सिर्फ मैं बोलूँगा कि सिर्फ मैं आर्टिस्ट ले लूँगा और मेरे पास टेक्निकल टीम नहीं है, तो फिर मैं ऑब्वियसली हम लोग उसका एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो अभी OTT हमारे पास फाइनल नहीं है, लेकिन आई एम श्योर जिस टाइप का ये हम लोग सोच रहे हैं और उसको हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वी आर डैम श्योर के इंशाल्लाह बहुत अच्छे ही प्लेटफॉर्म पे आएगा ये इंशाल्लाह। अभी मैं कमिट कुछ नहीं करूँगा कि हम लोग किस पे लेके आएंगे, लेकिन जिस पे भी आएगा, ये जैसा नाम है इसका ऊधम गढ़, तो ये ऊधम तो मचाएगा। सर जैसा कि पीछे आपके प्लान लगा हुआ है, फोटो लगे हुए हैं, लोकेशंस के लगे हैं, अखाड़े की कहानी है कहीं ना कहीं, अखाड़े को लेकर जैसे अभी आमिर खान के कहीं से नहीं, वो बिल्कुल भी वो नहीं है, एक छोटा सा कुछ नहीं, एक छोटा सा हिस्सा है उस चीज का, वो बिल्कुल नहीं है ऐसा। बस ये था कि ये कोई गांव है, 10 साल में इतने इंसिडेंट्स हुए, उन सब इंसिडेंट्स को एक साथ में पिरोया है उनको,
तो हर करेक्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब कोई भी करेक्टर ऐसा नहीं है कि आगे चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ लोग तो मतलब ये है जो थ्रू आउट रहने वाले हैं, लेकिन जो मतलब दो दो सीन के लिए भी आ रहे हैं, तो साकिब भाई हेल्प में कि वो शादा भाई ने स्टोरी रखी है ना, अब सब आजकल क्या चल रहा है मर्डर्स गोली और ये सब, इसमें भी बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ इतना सटल वे में है कि आपको लगेगा नहीं कि ये मतलब फोर्स कुछ भी नहीं, फोर्स कुछ भी नहीं, मतलब ये आपको लगेगा कि कहानी है, कहानी कुछ है, सीन्स जबरदस्ती नहीं डाले, एक्शन का एक मीनिंगफुल तरीके से लिखा गया है वो चीज, तो दैट्स द बेस्ट पार्ट फॉर हिज स्क्रिप्ट। मैं ये भी कहना चाहूँ कि जो वेब सीरीज होता है, मतलब फुल फ्लेज वेब सीरीज है, उसका सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही आप उसको सेल आउट कर सकते हैं, फिल्म का है कि आप थिएटर में भी ओटीटी पे सेल कर रहे हैं, तो वो बताइए वो कितना ज्यादा एक। नहीं नहीं, हम लोग मोस्टली क्या प्लान कर रहे हैं कि एक बार बन जाए तो ओटीटी पे ही हम लोग पिच करना चाहेंगे, क्योंकि आज का ट्रेंड जो है सिर्फ ओटीटी है, जिसने एक्चुअल में देखा जाए हमारे टेलीविजन इंडस्ट्री हो चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, इसको पलट के रख दिया है, क्योंकि हर के हाथ में मोबाइल है और हर के हाथ में सब्सक्रिप्शन है, तो उनको सब कुछ देखने को मिलता है 700-900 रुपीज़ में, बहुत एंटरटेनमेंट मिल रहा है। जैसे कोविड की वजह से आप देखें, आज एक तरह की आंधी चली है, बहुत ज़बरदस्त आंधी चली, जिनको जिनके पास काम नहीं था, जिनके पास कुछ नहीं था, वो भी बिजी हैं। सो ये प्रेफरेंस हमारी ओटीटी ही रहेगी। सर आपने जैसे रियल लोकेशंस की बात करें, हाँ, कितना इसमें राजस्थान है तो सीधे वक्त के लिए आपने यूज करेंगे, हाँ, तो कितनी रियल लोकेशन रहेंगे इसमें? सारी रियल लोकेशन है, कोई भी हम लोग कहीं भी कुछ शीट नहीं कर रहे हैं, पूरा शेड्यूल वहीं शूट कर रहे हैं, और जितनी भी रियल लोकेशंस हैं वो आज तक शूट नहीं हुई। सर आपसे चाहूंगा कि एक वेब शो को डायरेक्ट करना और एक फिल्म को डायरेक्ट करना, टाइम फ्रेम या बजटिंग या और जो एस्पेक्ट्स होते हैं, कितना ज्यादा डिफरेंस आपको नजर आता है? मोरल सेम ही है, कुछ ऐसा नहीं है, सॉल्व अबाउट स्टोरी टेलिंग, स्टोरी को आप कैसे बता रहे हैं। एक्चुअली मैंने आपको क्या बोला ना कि इसमें सब चीज़ों में ठीक है, एक डायरेक्टर होता है, उसने एक फिल्म बनाई होती है, दो बनाई होती है, उसके बाद में जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है, कि वो जो पूरी बाकी की टीम है जिसपे आई थिंक मतलब जो द पीपल वो आर डूइंग वेल उनकी नज़र है उस चीज़ पर, लेकिन जो लोग नए आते हैं इस फील्ड में उनकी उस चीज़ पर नज़र नहीं रहती है कि एग्जैक्टली जो एग्जीक्यूशन है उसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई लाइक वेरी श्योर अबाउट जिस तरह का प्रिपरेशन है, तो इट विल बी लाइक अ केक वॉक, ज़्यादा डिफिकल्टीज आएंगी नहीं, बिकॉज साकिब हैज ऑलरेडी बहुत अच्छा हमको पूरा एक सेटअप बना के दे दिया है, तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं है कुछ शूट करने में, इट्स जस्ट कि थोड़ी सी जो स्टोरी है वो थोड़ा मतलब अब फिल्म आपका 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है, इसके लिए आपको 330 घंटे 350 घंटे शूट करना पड़ता है। टाइटल की बात करें जैसे मिर्जापुर है, उर्दमगढ़ आ गया, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो प्रोड्यूसर है साथ में, तो हम लोग बैठे हुए थे, नाम डिसाइड कर रहे थे कि क्या नाम रखा जाए क्या नाम रखा जाए, तो इन्होंने कुछ नाम दिया और लोगों ने बहुत नाम दिया, तो हम लोग उधम कर रहे थे आगे क्या लगाए, उधमपुर, देन सईद भाई ने कहा कि उधमगढ़ रखो, सो हम लोगों ने कहा नाम अच्छा है, डिसाइड किया कि चलो करते हैं। फिर टाइटलिंग का प्रॉब्लम होता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, सो उसके लिए भी बिस्मिल्लाह की, लेकिन वो हमको अप्रूव्ड हो गया। सो ये एक रात में टाइटल आया हमारे दिमाग में, जिसको हमने उधमगढ़ किया, और ये हमारे स्क्रिप्ट के साथ पूरा जाता है। टाइटल से लोग इसका काफ़ी कैची बन गया है कि exactly. कुछ ना कुछ गाँव की कहानी, कुछ ना कुछ उधम हो बात आती है। हाँ, कितना एक्साइटमेंट रहा है आपको इस चीज़ को लेकर, टाइटल को लेकर? हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं, बस जल्दी से बन गया है, तो उसी हिसाब से जब प्रोमो होगा लॉन्च, तो आप लोग सब लोग साथ में ही रहेंगे, सारी मीडिया, तो आप लोगों को भी वैसे एक्साइटमेंट होगा। हम लोग का इंटेंशन बहुत शूट करके आइए, फिर हमसे मिलिए एक बार और, आज ही सारा कुछ नहीं बता देना जी। थैंक यू।